स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब कैरियर से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है वो है हमारे बीए पार्ट टू के सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हम उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनके भी ये वाले चैप्टर्स ऐड हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग भी ये लेक्चर ले सकते हैं। हमने अपना जो स्टार्ट किया हुआ है सेक्शन सी, उसके बारे में हम लोग कर लेते हैं। ये है जी हमारा सेक्शन सी। सबसे पहले हमने पढ़ा था सोशल प्रॉब्लम्स। तो जब भी आप पढ़ने लगे हैं तो आपने अपने पास जो है वो एक पेन ज़रूर रख लेना है, जो कि आप यूज़ करते हैं, या पेंसिल या हाइलाइटर अपने पास ज़रूर रखा करें, ताकि आपको पता हो कि आप जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 21st चैप्टर में पढ़ा था मशरती मसाइल यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, और आपको काफ़ी डिटेल में समझाया गया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो आप लोग ज़रूर ले लीजिए। उसमें एक तो आपको प्रेजेंटेशन के बारे में पता चल जाएगा कि आपने प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है, दूसरा आपको मज़ीद और भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, और जो पेपर पैटर्न है वो भी आपको सारा समझा दिया गया है, बीए पार्ट वन का भी और बीए पार्ट टू का भी। अच्छा जी, आज जो चैप्टर है वो हम रीड कर रहे हैं जुर्म और बेरहमी के बारे में, यानी कि क्राइम। ओके जी, तो इसको जो है वो मैं ओवरऑल एज अ रीडिंग के तौर पे आपको पढ़ाऊंगी, आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आप लोग इसको समझिएगा ज़रूर, और साथ साथ जो जो चीज़ें हुई समझाने वाली तो वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। अच्छा जी, जुर्म और बेरहमी हमारा ये चैप्टर है। इसके अंदर हमने सबसे पहले इसका जो तारुफ है वो पढ़ना है, उसके बाद जो है वो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस आपको करनी है, जो कि यहाँ पे जो ये चैप्टर है इसमें डेफिनेशंस नहीं है। अगर आपको कहीं इंटरनेट पे मिल जाती है कोई डेफिनेशन जो कि ऑथेंटिक हो, किसी बुक में लिखी हुई हो, तो वो आप ज़रूर इसके अंदर कोट कर लीजिएगा। अभी तक जो है वो मैंने थोड़ी सी सर्च की थी, लेकिन मुझे वो ऑथेंटिक नहीं लगी कि मैं आपको बताती कि आप उसको ऐड कर लीजिए, इसलिए मैंने नहीं की, आप यहीं से ही कर लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने क्या क्या रीड करना है। इसके अंदर जो है वो जुर्म एक मशरती मसला है, तो हमने ये जितने भी हमारे सेक्शन सी के चैप्टर्स हैं उनमें ये चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले उसका तारुफ, फिर उसकी तारीफ यानी कि डेफिनेशन, उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये एक जो प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम बताई हुई है वो किस तरह से एक जो है वो मशरती मसला बनता है। उसके बाद जो है उसके बारे में मज़ीद डिटेल भी आ सकती है, जैसे यहाँ पर एक अलग सा टॉपिक है छोटा सा बेरहमी का। उसके बाद है जी नज़रियात के बारे में भी काफ़ी चैप्टर्स में है और काफ़ी चैप्टर्स में नहीं है नज़रियात के बारे में, कि जिस तरह अब ये जुर्म का चैप्टर है, क्राइम वाला चैप्टर है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जुर्म के नज़रियात पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने नज़रियात पढ़ने के बाद हमने इसके जो हैं वो कॉजेज पढ़ने हैं, तो जुर्म के असबाब पढ़ने हैं, जुर्म की क्या क्या वजूहात हैं यानी कि, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जुर्म के असरात, और उसके बाद हमने जुर्म के सदेबाब के इकदाम यानी कि किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक मार्क बनाया होता है, एक निशान बनाया होता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग कर लीजिए, लेकिन आपको पूरा चैप्टर करना होता है। अब ये देखें यहाँ पे थर्ड सवाल जो है इसके आगे जो है वो इंपॉर्टेंट वाला निशान नहीं बना हुआ, कि जुर्म के बारे में मुख्तलिफ नज़रिया तहरीर करें और माशरे पर इसके असरात कलम बंद करें। अब पेपर में जो है वो आपके सवाल में ये भी आ सकता है कि जुर्म जो है वो क्या है, उस वो किस तरह से एक मशरती मसला है, ये बयान करें। 10 नंबर आपके ये हो सकते हैं डिवाइड, और 10 नंबर आपके जो है वो असरात पे आ सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने ये इन चीज़ों पे नहीं जाना, बल्कि जो जो चीज़ें आपको मैं समझा रही हूँ आपने उनको लाजमी से कर लेना है, और पूरे चैप्टर को एक मरतबा आपने ज़रूर जो है वो सुन लेना है अच्छे तरीके से, आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगा। बाकी आपने रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से, जो जो तरीका बताया जाएगा आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट कर लेते हैं जुर्म और बेरहमी। जुर्म के तसव्वुर से कौन आगाह नहीं है। अच्छा, मैं इसमें जो है वो सिंपल, पहले आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको रीड करके पढ़ाऊंगी, जो जो समझाने वाली चीज़ें हुई वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला साथ साथ समझाऊंगी, आपको काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो कोई भी एक पॉइंट जो है वो मिस नहीं होगा। जुर्म के तसव्वुर से कौन आगाह नहीं है। जुर्म का जो लफ्ज़ है वो सुनते ही खौफ सतारी हो जाता है, कि ना जाने किस नौयत का जुर्म वाकया हुआ और किसने किस पर किया। पाकिस्तानी माशरा क्या दुनिया के सब माशरे जराइम की बढ़ती हुई तादाद से खौफजदा है। जराइम ने लोगों की मशरती ज़िंदगी का सुकून छीन लिया है। बेइत्मीनानी और परेशानी की वजह से मशरती ज़िंदगी में इस्तेकाम नहीं रहा। ये बेचैनी मशरती मसला बनी हुई है। जुर्म फौजदारी कानून की खिलाफ वर्जी का नाम है। अच्छा, ये आपकी जो है वो डेफिनेशन में आता है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसी को ही डेफिनेशन में लिखेंगे। जुर्म किसी मुनासिब उम्र और दुरुस्त जहन के अफराद से इरादतन सरजद होने वाली वो खिलाफ वर्जी है, जो किसी रियासत तबका या ग्रोह के उन कवानीन के खिलाफ हो जो इनाकाद के वक्त मुस्तमिल थे और उन कवानीन से सजा भी दी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक भी मुझे लग रही है। दूसरा ये कि आम जब पढ़ते हैं तो उसकी रीडिंग में थोड़ा सा मसला हो जाता है, तो आपने इससे परेशानी होना, और कुछ बच्चों को जो है वो ये उर्दू थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो लग रही होगी सख्त,
यानी कि मुश्किल लग रही होगी, तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसको आप आसान लफ्ज़ों में। अच्छा, सबसे पहले सोशियोलॉजी का ये रूल है कि आपने रीडिंग कर लेनी है, उसको आपने समझ लेना है। जब आपको समझ आ गया है तो आप उसको अपने अल्फाज में आसान उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब आप पेपर में लिखें तो आप कोशिश करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप लाजमी लिख दें, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला है, इसमें जो है वो आप थोड़े थोड़े से पॉइंट्स जो है वो आप ऐड कर दें, तो ये जो इंट्रोडक्शन है वो बन जाएगा। उसके बाद आप तारीफ लिखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो जी, जुर्म किसी मुनासिब उम्र और दुरुस्त जहन के अफराद से इरादतन सरजद होने वाली वो खराब वर्जी है जो किसी रियासत तबके या ग्रोह के कवानीन के खिलाफ है, जो लागू करते वक्त मुस्तमल थे, यानी कि जो उन्होंने कवानीन बनाए थे उनके खिलाफ जो है वो किसी ने खिलाफ वर्जी कर दी है, कोई जुर्म कर दिया है, और इन कवानीन को तोड़ने की जो है वो सज़ा भी दी जा सकती है, ठीक है। जुर्म किसी माशरे में मुस्तमल कवानीन की खिलाफ वर्जी का नाम है। अच्छा, आप इसको भी आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं। जुर्म बशर्ती हालात में सरजद होता है, बशर्ती हालत बदलती है तो जुर्म भी तब्दील हो जाता है, ठीक है। ये आपने एक चीज़ समझनी है, चूँकि बशर्ती हालात बदलते रहते हैं इसलिए जुर्म भी बदलता रहता है। अल्बर्ट विल्सन ने कहा है कि जुर्म एक फैशन है और या तो हालात के मुताबिक होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। जुर्म एक साइंस भी है और एक आर्ट भी। पुराने बेढंग और बेहिमाना जुर्म करने के तरीके ख़त्म होते जा रहे हैं। इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड और क्रीसे ने तायद की है कि जुर्म की नौयत और तरीके इस तरह से तब्दील हो रहे हैं कि काफ़ी हद तक फैशन है। यही हकीकत मुशाहदे में आती है कि नए नए अंदाज के जुराइम वाक़ हो रहे हैं, यानी जुराइम की नौयत बदल रही है। चूँकि मशरती हालात नहायत तेज़ी से बदल रहे हैं, इस तरह जुराइम की नौयत में भी इजाफा हो रहा है, यानी कि जो पुराने दौर से जुर्म चलते आ रहे हैं वो जुर्म भी हो रहे हैं, और अब क्योंकि हालात मशरती हालात बदल रहे हैं, माशरे में तगैर आ रहा है, जिसकी वजह से जुराइम जो है वो कुछ तब्दील भी हो रहे हैं, तो पुराने जुराइम भी हो रहे हैं जिसके साथ साथ नए जुराइम जो कि तब्दील होके आ रहे हैं, यानी कि एक फैशन की तरह जो है वो जुर्म माशरे के साथ जो है वो तब्दील हो रहा है, तो वो वाले जुर्म भी जो है वो माशरे का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक तो इजाफा हो रहा है, दूसरा ये है कि नई नई नौयत के नए नए किस्म के जुराइम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जुराइम की मिकदार भी तेज़ी से बढ़ रही है। जुर्म गुनाह और बुराई, ठीक है। जुर्म क्या है? जुर्म फौजदारी कानून की खिलाफवर्जी का नाम है। इसको जो है वो थोड़ा रस्मी तौर पर भी हम ले सकते हैं कि जुर्म ऐसा है कि जिसको जो रिटन फॉर्म में होता है, एक कानून होता है रिटन फॉर्म में, अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है, जो कोई उसके अगेंस्ट जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो जुर्म हो जाता है। कुछ जुर्म जो है वो गुनाह है और कुछ गुनाह जो है वो बुराइयां, और कुछ बुराइयां ऐसी हैं कि वो गुनाह भी हैं और जुर्म भी है। मतलब ये तीनों चीज़ें जो है वो रिलेट करती हैं। अगर आप तीनों को याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, तरतीब से याद कर लें। जुर्म फौजदारी कानून की खिलाफ वर्जी का नाम है। गुनाह जो है वो मामूलात की खिलाफ वर्जी का नाम है। मामूलात आपने पढ़ा होगा BA पार्ट 1 में। उसके बाद क्या है? बुराई, बुराई अखलाकी इकदार के खिलाफ वर्जी है। एक जुर्म बैक वक्त यानी कि एक ही वक्त में यानी कि सेम टाइम में एक गुनाह भी हो सकता है और बुराई भी। मसलन चोरी, कत्ल वगैरह जुराइम भी हैं और गुनाह भी हैं और बुराइयां भी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक साथ हो गई, मतलब अगर चोरी कर लेना है तो वो इस्लाम में भी मना है, कानूनी तौर पर भी जो है वो एक जुर्म है, और इसके अलावा जो है वो एक बुराई भी है, ठीक है, जो कि नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या है जी? नमाज ना पढ़ना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह भी है और बुराई भी है, यानी कि झूठ बोलने से काफ़ी किसी का नुकसान हो सकता है, तो वो एक किस्म की बुराई भी है। उसके बाद क्या है जी? बुराई में वो अफ़ाल आते हैं जिनसे मशर्ती इकदार पामाल होती हैं। वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक ना करना ना सिर्फ बुराई है बल्कि गुनाह भी है। अक्सर बुराइयाँ गुनाह हैं और इसी तरह अक्सर गुनाह बुराइयाँ हैं, ठीक है, क्योंकि मशर्ती इकदार की रूह आम तौर पर मजहबी इकदार में पाई जाती है, यानी कि जो माशरा है, माशरे की इकदार, उसकी रवायात, रस्म व रिवाज, वो सब क्या हैं? एक तो होती है कि सोसाइटी की खुद की बिल्ड की हुई होती है, वो सकाफत टाइप होती है, लेकिन उसमें मज़हब जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, मज़हब बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि मज़हबी इकदार और माशरती इकदार दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए गुनाह और बुराई दोनों में करीबी ताल्लुक पाया जाता है। और जुर्म क्या है? जुर्म एक कानूनी चीज़ है, ठीक है, जुर्म क्या है? वो एक कानून है, वो एक कानूनी चीज़ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जुर्म एक मशर्ती मसला है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम बेरहरवी को पढ़ेंगे, जुर्म के नज़रियात को पढ़ेंगे, और फिर बाकी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही लेक्चर में जो है वो कवर हो जाए। जुर्म एक मशर्ती मसला है। जुर्म की नौयत और मकदार में आए दिन इजाफा हो रहा है।
लोगों की माल जान और आबरू महफूज नहीं है, लोग बेचैनी का शिकार है, लोगों को अपने माल के तहफ्फुज़ का फिक्र है, किसी को अपनी जान की हिफाजत दामनगीर है, किसी को किसी से इज्जत पर हमले का डर है, रात को कोई बेफिक्र इसलिए नहीं सोता कि कहीं इसके घर में नकबजनी या डकैती के जरिए जो है वो मालो असबाब ना लुट जाए, लोग अपने घरों में पैसा और जेवर इसलिए नहीं रखते कि चोरी हो जाने का ख़तरा है, और बैंकों में जमा करवा देते हैं रातों को खुले में नंगे हाथों, इसलिए आज़ादी से सफ़र नहीं करते कि कहीं किसी चोर या उचके के हाथों ना चढ़ जाएं। यहाँ पे जो है वो आप इसको अगर समझने में मुश्किल आपको पेश आ रही है, आपको दुश्वारी आ रही है, तो आप यहाँ पे इस तरह से कर लें कि लोग जो हैं वो रातों में सफ़र नहीं करते ताकि रातों के वक्त, क्योंकि चोर और लुटेरे वगैरह जो हैं वो ज़्यादा फिर रहे होते हैं, तो वो जो है कोई अपने साथ जो है वो कीमती सामान नहीं लेके जाते लोग सफ़र करते हुए, खास तौर पे रातों का सफ़र करते ही नहीं है, दिन का सफ़र करते हैं ताकि चोरी और डाका वगैरह, लूट मार मारपीट वगैरह, इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो कम हों, क्योंकि इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो रात के टाइम ज़्यादा होते हैं, इसलिए दिन का सफ़र करते हैं। रेलगाड़ी के इस डब्बे में सवार होने से डरते हैं जिससे मुसाफिर मौजूद ना हो और ऐसा ना हो कि अकेले को कोई कजाक लूट ले, यानी कि कोई चोर वगैरह लूट ले, माल भी जाए और साथ ही जान भी चली जाए। तो बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर कोई फ़र्ज सुकून के साथ काफ़ी देर के लिए गैर हाजिर नहीं रहता कि पीछे कोई ज़बरदस्ती घर में घुस ना जाए और चाकू या पिस्तौल दिखाकर औरतों और बच्चों को खाइफ करके सब कुछ लूट ले जाए। दहशतगर्दी, कत्ल, लूटमार, अगवा, जदीद जराइम तेज़ी से फैल रहे हैं, यानी कि उन्होंने ये बता दिया कि ये जो सारे क्या उसे कहते हैं कि ये जो सारे क्राइम्स हैं ये कौन से क्राइम हैं, ये लेटेस्ट क्राइम हैं, ये जदीद किस्म के क्राइम हैं। करेंगे तारीफ़ करने के बाद जुर्म एक किस तरह से मशर्ती मसला है, तो आपने ये यहाँ से लेके इतना लिख देना है और उसके बाद आपने यहाँ से लेके इतना लिख देना है, जो ये वाला पैराग्राफ है इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, या फिर इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं अगर आपके जहन में हो तो आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये आप अगर याद भी करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा और आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो जी पढ़ लेते हैं। क्राइम ब्रांच पंजाब पुलिस ने 1992 to 1993 यानी कि 1992 से 1993 के जराइम के अदाद शुमार बताते हुए जो है वो लिखा है कि पंजाब में 13,566 जराइम हुए, जिन इकदाम कत्ल के 535, जख्मी 1,277, जनाबिल जबर के 140, ट्रैफिक के हादसात 504 वगैरह शामिल हैं, डकैतियाँ सरका 803, चोरियाँ 1741, जिनमें बैंक, पेट्रोल पंप, मवेशी, गाड़ियाँ और दिगर शामिल हैं, मंशियात के मुकदमात। अच्छा ये जो है वो चोरियों के बारे में लिखा हुआ है कि चोरियाँ किस तरह से हुई हैं, कि बैंकों में हुई हैं, पेट्रोल पंप पे हो गई हैं, मवेशी की चोरियाँ हुई हैं, मवेशी मंडियों में भी चोरियाँ हो जाती हैं, गाड़ियाँ और दिगर वगैरह शामिल हैं। अच्छा जी उसके बाद क्या है, मंशियात के मुकदमात की तादाद जो है वो 2357 है। ये वो वाक़ात हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, इनके अलावा बेशुमार जराइम थाने में दर्ज ही नहीं कराए जाते, फिर भी इन आदादों शुमार से जराइम की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यानी कि जराइम आजकल कुछ इस तरह के इस नौयत के हो गए हैं कि उनके जो मुकदमात हैं वो या तो दर्ज करवा दिए जाते हैं या फिर कुछ ऐसे जो हैं वो जराइम हैं जिनके बारे में रिपोर्ट ही नहीं लिखाई जाती है, केसेस ही नहीं उनके होते हैं, कुछ लोग शर्म की वजह से, कुछ लोग इज्जत की वजह से इस तरह से जो है वो अपने केसेस को दर्ज ही नहीं करवाते। उसके बाद क्या हमारा पैराग्राफ है लास्ट वाला, जराइम की नौयत में माल की चोरी, जनाबिल जबर, नकबजनी, अगवा, धोखा दही, बगावत, जाली सिक्का साजी, रेल की पटरी उखाड़ना, फसलों को आग लगा देना, मवेशी चोरी करना, कार, स्कूटर और साइकिल वगैरह चोरी करना, कत्लो जेब तराशी करना, शराब नोशी, जुएबाजी, लड़ाई झगड़ा, डकैती, कजाकी वगैरह शामिल हैं। और इसमें एक और जुराइम है वो ये है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो चोरी करना, मोबाइल फ़ोन छिन जाना, ये भी आजकल बहुत बड़ा जो है वो एक केस सामने आ रहा है बहुत संगीन नौयत में। अच्छा जी उसके बाद क्या है कि लिहाजा नौयत और वसत के लिहाज से जुर्म क्या है, एक संगीन माशरती मसला है। तो जी फ़िलहाल जो है यहाँ पर हमने इसको रीड कर लिया है, ये आपका जो लेक्चर है वो यहीं तक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि न्यू एक लेक्चर आएगा इसका पार्ट टू का, तो पार्ट टू आपने लाजमी देख लेना, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। इसमें हमने थोड़ा सा पिछला हमने रिपीट किया क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद एक लेक्चर बन रहा है, क्योंकि बाकी कुछ ऐसी
सिचुएशन हो गई थी, इंटरनेट कभी प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि आजकल आपको पता है टेक्निकल इश्यूज इतने ज़्यादा जो है वो आ जाते हैं, और फिर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट इतनी होती हैं कुछ बिजी रूटीन, जिसकी वजह से डेली जो है वो लेक्चर्स बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जी आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।